नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम उसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे. एस ऑफ एन, एस ऑफ एन का फॉर्मूला एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी. सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हमें दिया है एस ऑफ सेवन, तो उसको हम फॉर्मूला में एन की जगह पे सेवन रखेंगे. देन टू टाइम्स ए, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की जगह पे हमने सेवन रखा है, डी भी हमें नहीं पता है, तो एस ऑफ सेवन ये होना चाहिए. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 49. एस ऑफ सेवन हमें 49 गिवन है. यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. टू ए प्लस सेवन माइनस वन इज 6d, दैट इज इक्वल्स टू 49. नाउ सेवन बाय टू, इधर हम टू कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा ए प्लस 3d इक्वल्स टू 49. टू टू कैंसिल हो जाएगा, सेवन को क्रॉस में हम उधर ले जाएंगे. सो ए प्लस 3d इक्वल्स टू 49 बाय सेवन, दैट इज इक्वल्स टू सेवन. सो हमें यहाँ एक इक्वेशन मिल जाती है, ए प्लस 3d इक्वल्स टू सेवन. हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट हमें दिया है कि एस ऑफ 17, यानी 17 टर्म्स का टोटल, तो हम वही फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे 17 बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज 17 माइनस वन डी इक्वल्स टू 289. यहाँ पे भी हम 17 बाय टू एंड देन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टू ए प्लस 16d इक्वल्स टू 289. 17 बाय टू, टू हम कॉमन लेंगे, ए प्लस 8d इक्वल्स टू 289. टू टू गॉट कैंसल्ड, 17 को हम क्रॉस में उधर ले जाएंगे. सो ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289 डिवाइड बाय 17. ये 17 का स्क्वायर है, इसीलिए 17 17 जा 289 होता है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन ए प्लस 8d इक्वल्स टू 17. ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं. सो वी कैन सॉल्व टू इक्वेशंस. यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ए प्लस 3d जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वल्स टू 7. एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए ए कैंसल, 8 में से 3d गया 5d, 17 में से 7 गया 10. सो d का वैल्यू बचता है 10 बाय 5, दैट इज d का वैल्यू आ गया 2. अब d के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुटअप कर दें, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, डी इन इक्वेशन वन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू 7, डी की वैल्यू हमने 2 लगा दी. सो ए प्लस 6 इक्वल्स टू 7, सो ए का वैल्यू हो जाता है 7 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 1. हमें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1. तो हमें ए मिल गया है, डी मिल गया है. अब हम फाइंड करते हैं, हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सो एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला वही है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी. सो हम एन बाई टू, टू ए, ए का वैल्यू हम लगाएंगे 1, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन एंड डी का वैल्यू हम लगा देते हैं 2. अब हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 2 प्लस एन माइनस वन टू, तो हम यहाँ पे टू कॉमन निकाल लेते हैं. टू को हमने कॉमन निकाला, वन प्लस एन माइनस वन, वन वन कैंसिल हो गया, इधर टू टू कैंसिल हो गया, इधर एन बचता है, ब्रैकेट के अंदर एन बचता है, तो फाइनल इज एन स्क्वायर. सो सम ऑफ एन टर्म्स इज एन
स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर।